ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अगर हम इस दुनिया में न होते तो क्या इस दुनिया के होने पर यकीन भी कर पाते? कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सुनना तो ठीक है, पर दुआ कीजिए कि आपको उनसे होकर न गुजरना पड़े, क्योंकि उन हालात में आप दुआ करने लायक भी नहीं रहते। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी राकेश पासवान की है और वो अपनी कहानी खुद सुनाएंगे। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कारीगर थे और अनजाने ही एक ऐसी खौफनाक घटना से गुजर गए जिससे गुजरने के बाद उन्हें खुद यकीन नहीं होता कि आज वो जिंदा कैसे हैं। पर क्या आप उस घटना पर यकीन करेंगे? शायद। वहां बड़ा सा ताल था और ताल के बीचों बीच टापू में बांस का जंगल और जंगल के बीच एक बहुत पुराना महल। महल वैसे तो बहुत सुंदर था पर बहुत ही पुराना था, 700-800 साल कह रहे थे लोग। इसी से उसका हालत बहुत ही खराब हो चुका था, तो सरकार उसका मरम्मत कराने का सोचा तो बहुत सारा लेबर जो है, कारीगर जो है काम पे लगा, उन्हीं में हम थे। हम और हमारा औरत सुमन और हमारा 1.5 साल का बच्चा सूरज, हम दोनों लोग जो है, हम और हमारी पत्नी, वो पूरा दिन भर काम करते सब। सूरज जो है वो हमारी पत्नी के कमर से बंधा रहता था। दिन भर काम वाम सब खत्म वतम करके महल के एक छोटा सा कोने में कमरा बचा था, वहीं पे हम खा पी के सो जाते थे। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक रहा, पर फिर एक दिन रात में बहुत अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगा। सुमन, ए सुमन, ए हो सुमन, सो गई था? अभी तो आंख लगा था। सुनो तो, तुमको कुछ सुनाई दे रहा है? का? सुनो, कैसा कटकटा रहा है? ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई दांत से पत्थर काट रहा हो, नहीं लगता है तुमको? का कह रहे हो? बांस का कितना जंगल है यहाँ, हवा से बांस रगड़ता है तो होता है ना ऐसा आवाज। अब सो जाओ भी, हमका भी सोने दो। अरे नहीं रे सुमन, हमरा हमरा तो मन कुछ और ही कह रहा है। सो जाओ। जाने जाने सुमन नींद में थी या उसको सचमुच लगा कि बांस का आवाज है, पर हमरा मन नहीं माना और हम वहां से उठ के बाहर की तरफ निकले। चारों ओर खूब अंधेरा, बस बाहर से चांद का रोशनी आ रहा था और भी बहुत हल्का सा। उस वक्त हमरा पास के जंगल में जाने का हिम्मत नहीं पड़ा, तो हम महली में इधर उधर जाके देखे। कहां से आ रहा है? ससुर का नाती आवाज समझ नहीं आ रहा, बुझा नहीं रहा। कोनो आदमी कोनो जानवर कुछ नजर भी नहीं आ रहा है, पर अंधेरा के अलावा वहां कुछ नहीं दिखा।
तो हम वापस लौटने लगे कि तभी अचानक एक जगह पे हमको लगा कि वो आवाज जो कटकटाने वाला जो आवाज है वो तेज हो गया, बढ़ गया। तो हम रुके, ये आवाज आ रहा है, ये हमारा वहम नहीं है भाई, यही से ज्यादा आ रहा है। ऐसा लगा जैसे कि आवाज जो है वो हमारे पैर के नीचे से आ रहा है। एक दिन नहीं, उसके बाद से तो रोज ही ऐसा होता रहा। फिर एक दिन हम ये एकदम निश्चय किए कि भाई हम इंजीनियर साहब से एक बारे में बात करेंगे, पूछेंगे उनसे। तो हम पूछे, इंजीनियर साहब आपसे कुछ पूछना था, यहाँ नीचे कोनो तहखाना है का? क्यों, तुम्हें ऐसा लगा क्या? वो रात को कुछ आवाज सुनाई देता है नीचे से तो। तुम्हारा मतलब नीचे कोई रहता भी है? हाँ साहब, हमको तो लगा कि। अरे परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। पहले इसमें बेसमेंट तो होते ही है, यहाँ भी जरूर होगा। साहब जैसा बोले थे उतर खाना ढूंढने का कोशिश किए तो उनको एक चोर दरवाजा मिला, पर उस पे जो है एक जेब बड़ा मोटा सा एक ताला लगा था और ताले में पूजा का जो रोली ना होता है और टीका सिंदूर ये सब का पीला कपड़ा बंधा हुआ था। ओहो, साहब। अरे क्या हो गया? साहब रुकिए, हमको ये ठीक नहीं जान पड़ता है साहब, कोई तो हमको लगता है इस ताले में जो है मंत्र वंतर मारा है, हम कह रहे हैं साहब। तो साहब ऐसा चीज खोलना नहीं चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गया तो मतलब। क्या गड़बड़ होगा? अरे बानू विलास। जी साहब। आ रही है ना तुम्हारे पास, ताला काटो। अब साहब हम तो कह रहे हैं, मान जाइए साहब हमारी बात, ये ताला मत तोड़िए। अरे कुछ नहीं होगा। साहब नहीं माने और जब ताला कट के गिरा और हम दरवाजा खोले ही थे कि अंदर से ऐसा ठंडा हवा आया, मानो जैसे हम एकदम पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं और हवा जो है हमारा शरीर को चीरता हुआ निकल जा रहा है। कितना ठंडा है, 2 मिनट में जम जाए इंसान। चलो अंदर देखते हैं, ऐसा है क्या? अंदर घुसे तो जाला ही जाला और धूल ही धूल था। कितना धूल है सर, कितना धूल है। पर एक बात बहुत अजीब था, हमको किसी का सांस लेने का आवाज साफ सुनाई दे रहा था वहां, और जैसे ही हम पलटे अचानक जोर से दरवाजा हिला। ऐसा लगा जैसे कोई था वहां जो दरवाजे से टकरा के बाहर की तरफ जोर से निकल के भाग गया। ये क्या था? कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, कोई जानवर रहा होगा। जानवर इतना बड़ा और किसी को दिखा भी नहीं। कुछ और होगा साहब, जानवर होता साहब तो फिर बरसों से बंद तहखाने में जिंदा कैसे रहता साहब? अरे बकवास मत करो, कुछ और होगा। उस दिन क्या हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर उसके बाद से हमारा जीना हराम हो गया। रात भर वही आवाज आता रहता, कभी बिल्कुल हमारे पास जैसे कोई पत्थर चबा रहा। नहीं नहीं, शायद किसी का हड्डी चबा रहा, जैसे लकड़ बग्घा चबाता है। हम सुबह किसी को बताते तो कोई हमारी बात नहीं मानता था, और फिर एक रोज आधी रात में अचानक किसी का चलने का आवाज से नींद खुला। ऐसा लगा कि सूप जितना बड़ा बड़ा पैर हो उसका, डेढ़ डेढ़ हाथ का, जैसे कोई पिशाच हो। हम बहुत डर गए साहब, इसलिए एक दिन हम इबाद पास के गांव के एक बुजुर्ग से कहे, ये सोच के कि वो कुछ हमको बताएंगे इसके बारे में।
और कहा देखते हैं कि बुजुर्ग की बात सुन के जैसे पीला पड़ गया। अनर्थ हो गया। का हुआ? आप जानते हैं उसको? अरे वही है ये। आप डराइए तो नहीं ना, विस्तार में समझाइए। अरे भाई, बहुत पहले ये महल आबाद था, तब यहाँ राजा था किशन बहादुर और उसका रानी था सुमेरा। आसपास का 100 गांव का रियासत था उनका। हाँ, बहुत अच्छा से चल रहा था सब, पर धीरे धीरे राजा बदलने लगा। प्रजा से उनका अपनापन खत्म हो गया, प्रजा भी उनसे दूर होने लगी। अब राजा सारा दिन इन बांस के जंगल में भटकता, वहीं पे कुछ जानवर वानवर मार के खा जाता, बिल्कुल पिशाच जैसा। और जब जानवर खत्म हो गए तो एक एक करके इंसानों को खाने लगा। कुलगुरु समझ गए कि ये उनका राजा नहीं है, किशन बहादुर के अंदर कोनो दूसरा ही आके बैठा है। पर उनके पास कोई चारा भी नहीं था, तो एक दिन जब सबने महल में जाना बंद कर दिया तो कुलगुरु रानी से जाकर बोले, महारानी अब आप भी चलिए, ये हमारे राजा नहीं पिशाच है, तड़प तड़प के मरने दीजिए इसे यहाँ, चलिए आप। नहीं गुरुजी, हमारा धर्म कहता है कि ये जो भी है जैसा भी है हमारे राजा के शरीर में है, इसलिए हम इसे छोड़ के नहीं जा सकते। बस फिर कुलगुरु भी महल छोड़ के चले गए। इसका बाद वहाँ वो पिशाच था और रानी, पर कुछ दिन बाद कुलगुरु से रहा नहीं गया और वो रानी का हाल लेने महल पहुंचे। पर वहां उन्होंने देखा कि चारों ओर खून ही खून फैला है और उसके बीच बैठा वो पिशाच रानी को खा रहा है। ये देख के कुलगुरु गुस्सा से कांपने लगे। नीच, तू हमारा राजा हो ही नहीं सकता, तू पक्का पिशाच ही है। जब सब ने तुझे छोड़ दिया तब रानी तेरे पास रही, क्योंकि वो समझती रही कि तू जो भी है राजा के शरीर में है, उस शरीर की पूजा करती रही वो। पर तू उन्हें भी खा गया, तेरी एक ही सजा है। जब तक ये दुनिया है, ये महल है, तू इस महल के तहखाने में बंद रहेगा और तू खाएगा पर अपनी हड्डियों को। तेरी हड्डियां बढ़ती रहेंगी और तू उन्हें कुतरता रहेगा, हमेशा कुतरता रहेगा। ये श्राप है मेरा। उसका बाद कुलगुरु ने उस पिशाच को तहखाने में बंद करके ताले पे मंत्र मार दिया, जिससे वो कभी तहखाने से बाहर ना निकल सके। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, अनर्थ हो गया, वही ताला तो इंजीनियर साहब खोल दिए। तभी तो हमने कहा कि अनर्थ हो गया है, अनर्थ हो गया। चले जाओ, ये जगह छोड़ कर चले जाओ, अगर जान बचाना चाहते हो ना तो चले जाओ, जाओ। और हमने सुमन से वो जगह छोड़ने की बात की। हाँ सुमन, हाँ समझो हमारी बात को, जीना है तो जाना पड़ेगा यहाँ से। का कह रहे हो तुम? नहीं जी, हमरा जीना बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ रहे तो हो सकता है वो हमें मार दे, या का पता हम जिंदा भी रहे। पर सूरज अभी छोटा है, साल भर का मिला मिला है काम छोड़ के चले गए तो कहाँ रखेंगे, कहाँ खिलाएंगे उसको, उसके लिए दूध कहाँ से आएगा। नहीं नहीं, हम ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे और तुमको भी कहीं नहीं जाने देंगे। बस अगर हमरे रहने का कोनो ठिकाना होता तो हम दिन में काम करके रात को वहीं जाके सो जाते, पर कोई ठिकाना भी तो नहीं था, तो हमको और मजदूरों के साथ वहीं उसी जगह पे रुकना पड़ा और जैसा डरता साहब वहीं होने लगा।
अब वो पिशाच जो है वो आजाद हो चुका था, छूट चुका था, उसका दरवाजा ताला सब टूट चुका था, और वो अपनी हर दिन बढ़ती हड्डी चबाने के श्राप से छूट चुका था साहब। पर फिर हर रात एक के बाद एक मजदूर गायब हो गया। कुछ मजदूर तो काम छोड़ के भी चले गए, पर हम दुर्भाग्य वही रहे। सुमन, ए सुमन, सो गई कहाँ? नहीं, डर से नींद कहाँ आता है? देखो, उसका चलने का आवाज आ रहा है। आज वो यही है, हमारे पास डोल रहा है। सुमन सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, सूरज को अपने सीने से चिपका के रखना, समझे? तुम भी सोने का कोशिश करो, सोएंगे नहीं तो दिन में काम कैसे करेंगे? उस रात बड़ी कोशिश के बाद नींद आया, पर आधी रात अचानक हमको बहुत जोर का दर्द हुआ सा। सुमन, क्या हुआ? क्या हुआ? बता तो क्या हुआ है तुमको? ऐसे चिल्ला कह रहे हो? हुआ क्या था? ना हमको अंधेरे में पता चला, ना हम समझ पाए, पर फिर जब हम अपने पैर पे हाथ लगाए तो हमरे पैर पे खून था। वो पिशाच हमरा पैर खा लिया था, वो भी घुटनों तक। और फिर जब कई दिन बाद पैर का घाव भरा तो हम बैसाखी पे खिसटते हुए उस मनोज जगह से निकल गए। चलो सुमन, अब नहीं रुकेंगे यहाँ। चलो चलो यहाँ से, भूखे ही मरेंगे तो मर जाए, यहाँ रुके तो जिन्ना खाएगा हमें वो। पर बस हम उस जगह से ही निकले, मुसीबत से नहीं निकल पाए। उस रात एक गांव के बाहर ट्यूबवेल की कोठरी में डेरा डाले ही थे कि वहां भी शुरू हो गया सब। रात सोते वक्त अचानक उसका आवाज से आंख खुला। कभी उसके चलने का आवाज, तो कभी एकदम कानों के पास उसकी सांसों का आवाज। हम परेशान होकर उठे और लगे उसको ढूंढने कि आज हम इसको देख कर रहे। कहाँ तू? सामने काहे नहीं आता? डरपोक कहेगा, सामना कर, हम नहीं डरते तुझसे, नहीं डरते हैं तुझसे। चुप करो, क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ, मान जाओ हमारी बात। छोड़ो, जान जाएगा हम सबका। बहुत सही, आज हम इसका सारा किस्सा खत्म कर देंगे, और मर मर के नहीं जी सकते। कहाँ छिपा है? निकल बाहर, दिखा दिखा तुझमें कितनी ताकत है, कहाँ काटा तुझे, दिखा। हम गुस्सा से फट पड़े उरुस, ऐसा गुस्सा था कि आज दिख जाए तो या तो वो नहीं या हम नहीं। सामने कह नहीं आता, डर गया था आज सामने। हमको लगा कि इस सारा बस हमारा डर था, डर खत्म तो वो भी खत्म। हम जानते थे कि आज वो हमारे सामने नहीं आ सकता, और सत्य वो आया भी नहीं। पर तभी हमको सुमन का आवाज सुनाई दिया। एजी सुनते हो? एजी बचाइए हमको। हम सुमन की ओर भागे, खेतों की तरफ। सुमन, एजी सुनते हो? सुमन, बचाइए हमको। सुमन, सुमन, बचाइए हमको। क्या हुआ सुमन? और हम वहां पहुंचे तो
हमारे सामने खून से लथपथ सुमन का लाश पड़ा हुआ था। और जानते हैं उसको कौन खा रहा था? उसको हमारा 1.5 साल का बच्चा सूरज खा रहा था। चारों ओर खून ही खून फैला था और उसके बीच में बैठा हमारा छोटा सा सूरज चबा रहा था अपनी माँ का हड्डी। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दूध पीता बच्चा अपनी माँ की हड्डियां चबा रहा हो? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश अपने काम के माहौल से बहुत परेशान हो और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने एक एस्केप रूट ढूंढते हुए पिशाच की कहानी गढ़ ली। पर फिर उसका अधखाया पैर, जिस पर वो अब भी घिसट घिसट कर चलता है, जवाब ढूंढिए, क्योंकि कल रात मैं भी तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर, जिसे सुनकर राकेश की तरह आप भी कह पड़ेंगे। और एक आखिरी बात, शायद आप भी रात को अकेले तो नहीं सोते, तो फिर कौन सोता है आपके साथ? ओके, टेक केयर एंड गुड नाइट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डॉम को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियां सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।